सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम पेहवा में, हाँ भाई, और पेहवा में इलेक्शन देखने आए थे, लेकिन यहाँ पे तीन पार्टी चार पार्टी सुनी थी, लेकिन यहाँ पे तो दो ही पार्टी सुनने मारी है भाई। दूसरी तो मैं बता दूँ, एक तो भाजपा और दूसरी आम आदमी पार्टी। फिलहाल भाजपा के ऑफिस में है और हमारे साथ हैं प्रवीण आत्रेय जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं एकदम कुशल मंगल। सर आपका इंटरव्यू पिछली बार लिया था, तो आपके इंटरव्यू को लेकर बहुत सारे लोगों के फोन भी आए जी कि भाई जगदीप इनको इंटरव्यू में फंसा पाना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने सोचा कुछ नया सा तैयार करके लेकर चलते हैं। आप फ्री हो जो मर्जी पूछो। तो मैं बता देता हूँ, भाजपा के एक प्रवक्ता के तौर पर बड़े कुशल हैं, और जैसे हम चैनल टीवी चैनल्स पे देखते हैं ऑन द स्पॉट जो जवाब हैं, और बाद में बड़ा लगता है भाई हाँ ये स्पोक्स पर्सन इज सुपर, तो हमारे प्रवीण आत्रेय जी ऐसे ही हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं यहाँ पे अपने कुछ सवालों में लपेटें, बाकी ट्राई करते हैं। सर पहला सवाल ये है कि आपका जो चेयरमैन था, भाजपा का जो चेयरमैन था, वही चेयरमैन आपने अब की बार क्यों नहीं लिया? क्या वो करप्ट था या क्या था? नहीं नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक रिवायत कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच कह लीजिए जी, कि यहाँ हर कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ है, पार्टी के प्रति समर्पित है, पार्टी का जो नेतृत्व है उसको मौका देता है। ये किसी एक की बपौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी ये मेरी बपोती है या मेरा राइट है, मैं ही नहीं, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है। किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी मौका देती है परिस्थितियों के अनुसार। इसी तरह से अब जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पेवा से भारतीय जनता पार्टी ने आशीष शर्मा चक्रपाणी, जो पार्टी के बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं, बहुत ही सुलझे हुए समाज सेवी, बहुत ईमानदार, जिनकी छवि एकदम साफ स्वच्छ, आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा। तो एक ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने मौका दिया है, और पार्टी संगठन के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो इससे बहुत खुश। नहीं बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ आपके भाजपा के ही जो 5-7 साल से काम कर रहे थे उनको दूसरी पार्टी में, मतलब आम आदमी पार्टी में जाना पड़ा? क्या आपने उनको तवज्जो नहीं दी या क्या कारण? नहीं नहीं देखिए, आज वही आपके मेरे ख्याल से सिर दर्द है शायद। आपको पहले तो मैं ये बता देता हूँ, आशीष शर्मा चक्रपाणी जो है जी, इनका शायद पास्ट की जानकारी आपको नहीं है जी। इनके जो पिता शिव कुमार बड़वाला भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे MC का चुनाव भी लड़ चुके हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, संघ परिवार से जुड़े हुए थे वो जी, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। आशीष शर्मा खुद पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब परिवार, ये पूरा परिवार ही पार्टी को समर्पित है, पहली बात। दूसरी बात, जिसका जो आपने कहा कि एक व्यक्ति पिछले 5-7 साल से, देखिए पहले तो 5-7 साल से पार्टी के साथ काम नहीं कर रहा था, आपको ये बता देता हूँ जी। अनिल धवन जिसका आप जिक्र कर रहे हो, क्योंकि मैं पेवा का रहने वाला हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, हर व्यक्ति मुझे जानता है, हर एक को मैं जानता हूँ जी। कांग्रेस में वो रहा, इंडियन नेशनल लोकदल में आया, BJP के साथ कुछ समय काम किया, अब आपके सामने वो आम आदमी पार्टी में है। तो कुछ लोगों का राजनीति में आने का उद्देश्य सेवा नहीं होता, वो पॉलिटिकल टूरिज्म पे होते हैं, उनका उद्देश्य होता है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। उन लोगों का पार्टी की नीति से, पार्टी की रीति से, पार्टी के विचार से कोई मतलब नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी उस कार्यकर्ता को मौका देती है जो कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों से को समर्पित होता है, जो पार्टी की आइडियोलॉजी को एडॉप्ट करता है। जिस व्यक्ति ने पार्टी की आइडियोलॉजी को एडॉप्ट नहीं किया, लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोशिश जरूर की कि शायद पार्टी मुझे मौका दे दे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं होता, क्योंकि स्थानीय कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाता है, सबसे जानकारी ली जाती है, संगठन से पूछा जाता है, उसके बाद पार्टी नेतृत्व कोई निर्णय लेता है। अब अगर जो स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय संगठन, उसका जो फीडबैक है जिस आदमी के बारे में, स्वाभाविक है पार्टी तो उसको मौका देगी। यही हुआ यहाँ पे। आपके यहाँ पे लगभग 30,000 वोट हैं, बहुत थोड़ी सी वोट हैं, और इसमें अगर हम पंजाबी कास्ट की बात करें तो लगभग 7,000 वोट पंजाबी कास्ट के हैं। धवल साहब आपसे जुदा होकर आम आदमी पार्टी में चले गए,
7,000 वोटों में से अगर 6,000 वोट पोल हों और उनमें से 5,000 वोट उनके पास चले जाएं, तो क्या आपके लिए चिंता का विषय नहीं हो जाएगा? देखिए पहली बात तो ये है, आपकी आइडियोलॉजी, आपके सारे मामले, सिस्टम ये सारे धरे के धरे रह जाएंगे सर। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती। सर समीकरण तो बनाते ही हैं सर। नहीं नहीं नहीं, ये दूसरी पार्टियों में होता होगा। भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती, जातिगत समीकरण नहीं बनाती, जाति विशेष की बात नहीं करती। हम 36 बिरादरी की बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बेसिक आइडियोलॉजी है देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, और हमारा पहला काम है राष्ट्र निर्माण। आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी की किसी बैठक में अगर आप राष्ट्र प्रेम तो सभी पार्टियां करती हैं। नहीं नहीं, अंतर है, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते। नहीं नहीं, अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी धारा 370 तोड़ने की आलोचना करे तो किसी नारे से कम है। अगर गलवान घाटी में चाइना के साथ भारतीय सेनाएं आमने सामने हो जाएं और राहुल गांधी जी चाइनीज राजदूत से जाके बैठक कर लें, क्या वो किसी नारे से कम है? कांग्रेस पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एक MOU साइन कर लेती है, क्या वो किसी नारे से कम है? अंतर है बहुत बड़ा। कहीं ना कहीं कांग्रेस, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भाजपा के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगाती है कि पुलवामा का जो अटैक हुआ था वो आज तक उसका कंक्लूजन नहीं निकाल पाई, कहीं वो वोटिंग के कारण भाजपा ने तो नहीं करवा दिया। मुझे लगता है ये जो कांग्रेस के नेता ना, या तो ये अखबार नहीं पढ़ते या पढ़ के जानबूझ के इग्नोर करते हैं। सामान्य आदमी ने भी अखबार में पढ़ा कि पुलवामा का जो मामला हुआ था उसमें जो व्यक्ति जिम्मेवार था वो एनकाउंटर में मारा गया, ये सामान्य आदमी भी जानता है। लेकिन वो जांच कहां गई, कैसे वो इतना असला वहां पे चला गया, चेकिंग नहीं हुई, कैसे ये मुमकिन था? इतना बड़ा प्रोपगेंडा जो रचा गया। नहीं, उसको प्रोपगेंडा नहीं कहेंगे। पहले तो देखिए, अगर आप ऐसी किसी घटना को प्रोपगेंडा कहेंगे तो वो ठीक नहीं है। जी, कुछ देश विरोधी ताकतों ने षड्यंत्र रच के देश के विरुद्ध एक ऐसी कार्रवाई की जिसमें हमारे वीर जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारतीय सरकार ने बाकायदा जांच करके कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल है इसके ऊपर काम करना शुरू किया, NIA ने जांच करनी शुरू की, और जो दोषी व्यक्ति शामिल थे वो एनकाउंटर में मारे जाते हैं। एनकाउंटर में कैसे मारे गए सर? आप पाकिस्तान के आतंकवादी को, कसाब जैसे आदमी को जिंदा पकड़ लेते हैं, उनको इतने दिन आपके पास संभाल के रखते हैं और फिर उसको सजा मिलती है इतने सालों बाद, और एक इतना बड़ा जिम्मेवार जो कांड हुआ उसमें आप एनकाउंटर में मर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फेक सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, ऐसे कोई आदमी आप जिंदा नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक तरफ तो आपने ये सवाल उठाया कि कसाब जैसे आदमी को पकड़ लिया और इतने सालों तक उसको जेल में रखा, ये आप ही ने सवाल उठाया। किस सरकार का समय था वो, कौन सरकार थी? भाजपा ने आते तो उसको लटकाया नहीं? नहीं नहीं, वो तो कानूनी प्रक्रिया है ना। देखिए, आप कानून से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अंदर से बतौर भारतीय आप भी ये चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है उसको तुरंत गोली मार दो, चाहते ना आप? जी। तो वही हुआ, उसमें गलत क्या है? तो आम जनता के बीच में, कांग्रेस के बीच में, आम आदमी पार्टी के, वो सवाल उभर के नहीं आ पाया? आपने जरा सा कह दिया कि भी उस एनकाउंटर में मारा गया। देखिए, ऐसा है कि जहां तक विरोधी पार्टियों का सवाल है, आपने भी देखा होगा कि विरोधी जिस तरह का झूठ का प्रचार करते हैं, जिस तरह से झूठ, सबसे बड़ा इसका एक एग्जाम्पल है 2019 के लोकसभा चुनाव। जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं विरोधी पार्टियों ने जिस तरह का इस मामले में दुष्प्रचार किया, उसका नतीजा क्या हुआ? जनता ने उनके दुष्प्रचार को दरकिनार किया और भारतीय जनता पार्टी को थंपिंग मेजोरिटी से जितवाया। ये जनता का आक्रोश था उन लोगों की सोच के बारे में, जनता का आक्रोश था उन विपक्षी दलों के नेताओं के बयानों के बारे में, जनता का आक्रोश था उनकी सोच के बारे में, तभी भारतीय जनता पार्टी को थंपिंग मेजोरिटी दी। जी, तो भाई ये जो सवाल है, मेरा बड़ा मन करता है ऐसे ऐसे सवाल मैं पूछूं, लेकिन कई जगह मेरे को मना कर दिया जाता है। हालांकि भाजपा में तो ऐसा नहीं कि मना कर दिया, लेकिन बहुत सारी जगह मना कर दिया जाता है। दिल खोल का सवाल पूछूं भाई, मज़ा आ रहा है इंटरव्यू में, तो बने रहिए। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूं, अभी जो ये इलेक्शन है, हम वापस इलेक्शन पे आ जाते हैं, एक तो आप मेजोरिटी के साथ लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं पहवा के अंदर दो ही पार्टी, आम आदमी और भाजपा मुझे दिखाई दे रही है, कांग्रेस या कोई और पार्टी नहीं दिखाई दे रही ऑनेस्टली। दूसरा, जो राज्यसभा का इलेक्शन था उसमें आप कृष्ण लाल जी को जीत चुके हैं, वो राज्यसभा के सांसद, तो कहीं ना कहीं कल तक ये लग रहा था कि भाई हाँ, अब माकन साहब आ जाएंगे, एक भाजपा का है, कांग्रेस का है। कार्तिकेय जी का नाम जरूर था, लेकिन यूँ लग नहीं रहा था कि वो जीत जाएंगे। और आज जब सुबह उठ के सारा डिसीजन मैंने सुना, वीडियोस देखी, तो लोगों ने कमेंट्स तक कर रखे हैं, तो कांग्रेस के नेता अब सोनिया गांधी के सामने गाना गा रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माकन खायो। लेकिन
आपकी इन सब रणनीतियों के बावजूद कुलदीप बिश्नोई को अपनी पार्टी से हाथ धोना पड़ा सर? नहीं, देखिए, जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी का सवाल है, कुलदीप बिश्नोई जी की नाराजगी थी अपनी पार्टी के नेतृत्व से। सर नेतृत्व उनकी मीटिंग थी सर, ऑन द स्पॉट मीटिंग कैंसिल कर दी गई। कुलदीप बिश्नोई जी ने, कांग्रेस ने जब अपना अध्यक्ष हरियाणा में बनाया जी, कुलदीप बिश्नोई जी का अगले दिन ये ट्वीट आ गया था कि मैं राहुल जी से मिलके बात करके कोई अगला कदम उठाऊंगा। इस बात को लगभग सवा महीना हो गया है। हाँ, काफी लंबी चली थी जी। राहुल जी ने उन टाइम नहीं दिया, राहुल जी विदेश घूमने चले गए, राहुल जी विदेश से घूम के आते हैं फिर पंजाब चले जाते हैं, कुलदीप जी को समय नहीं देते हैं। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से कुलदीप जी के बारे में बयान दिया, जिस तरह से उन्हें कुलदीप जी को पार्टी छोड़ने की सलाह दी कि अगर अंतरात्मा की आवाज़ की बात है तो आप पार्टी क्यों नहीं छोड़ देते जी। जिस तरह से हुड्डा साहब के बारे में कुलदीप जी ने बयान दिया, तो उस फन कुचलने का ट्वीट आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि कुलदीप जी की पार्टी के अंदर जिस तरह से बेइज्जती हुई, या यूं कह लीजिए जिस तरह से पार्टी के कुछ लोगों ने उनकी बेइज्जती की। यादव साहब इस पे चुटकी लेके थे फिर? नहीं, वो मुझे लगता है कि ये अकेला कुलदीप जी का विषय नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी में आप किसी, चाहे किरण चौधरी जी की बात कर लीजिए, कैप्टन अजय यादव जी की बात कर लीजिए, रणदीप सुरजेवाला जी की बात कर लीजिए, सभी नाराज है। वो बात अलग है, कोई नाराजगी बात से निकाल देता है, कोई नाराजगी एक्शन से निकाल देता है। कुलदीप जी के पास मौका आया, उन्होंने एक्शन से नाराजगी निकाल दी। अपने नाराज तो सभी हैं, क्योंकि जब किसी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इतना कमजोर हो जाए जो स्वयं निर्णय ना ले सके, तो ऐसे में ऐसी पार्टी के ही हालात होते हैं जो कांग्रेस के हो रहे हैं। मुझे कई बार ये लगता है कि आप जो किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, रणदीप जी, इनके जो पक्ष में बोलते हैं, कुलदीप बिश्नोई के पक्ष में बोलते हैं, तो मुझे ये लगता है आप कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, आप सिर्फ हुड्डा साहब के खिलाफ हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए हुड्डा साहब कोई टारगेट ले रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ले रहा है तो? नहीं नहीं, हम नहीं ले रहे हैं। आप कभी किरण चौधरी को वापस रिप्लाई नहीं करते, शुरू किसी और, कुमारी शैलजा को नहीं बोलते, रणदीप जी को नहीं बोलते, कुलदीप बिश्नोई, आप सबका टारगेट सिर्फ हुड्डा साहब है, कांग्रेस नहीं है। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि हुड्डा साहब हमारा टारगेट, हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, ये सबको पता है जी। लेकिन कांग्रेस के नेता स्वयं जी अगर हुड्डा साहब को के बारे में आलोचना करते हैं जी, कैप्टन अजय यादव का ट्वीट आपको याद होगा जी, जब कैप्टन अजय यादव हुड्डा साहब की सरकार में मंत्री थे, उन्होंने तब भी आलोचना की थी। तो जब कांग्रेस के नेता आलोचना कर रहे हैं, हम तो उनकी बात को कोट करते हैं कि देखिए फला नेता ये कह रहा है, फला नेता ये कह रहा है, तो क्या बात कोट करना भी गलत है? नहीं, बात कोट करने से वो अलर्ट हो जाएंगे, उनकी आपस में लड़ाई, जितनी लड़ाई उनकी बढ़ेगी तो आपको ही फायदा है। फिलहाल तो बिश्नोई जी पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं, अब उस सीट का क्या होगा? वो MLA के पद पर रहेंगे या उनको रिजाइन देना होगा, या कांग्रेस जैसा चाहेगी वैसा होगा, या बिश्नोई साहब जैसा चाहेंगे वैसा होगा? अब सीट को लेके क्या होगा? जगदीप भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, राज्यसभा चुनाव में जी जो नाराजगी कैप्टन अजय यादव की थी, उन्होंने क्या कहा था कि कुमारी शैलजा को उम्मीदवार बनाना चाहिए था जी, मतलब हरियाणा की एक बेटी का हक छीन के अगर कांग्रेस पार्टी एक दिल्ली से आदमी को लाती है, उसको वो हक दे देती है, एक दलित बेटी का, एक गरीब की बेटी का अगर हक ऐसे छीना जाए, क्या वो आपकी नजर में उचित है? जब आप भी ये बात बेहतर जानते हैं कि हमारे प्रदेश की एक गरीब की बेटी का हक छीन के अगर आप के लिए इतना, दूसरी पार्टी के लिए इतना प्यार कैसे आ रहा है सर आपके दिल में? नहीं, मेरा पार्टी के प्रति प्यार नहीं है, मेरा प्यार, मैं जो ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि सामाजिकता जो चीज होती है, सोशल जो स्ट्रक्चर होता है, आप भी मैं भी, और मुझे लगता है हर हरियाणा वासी चाहेगा कि अगर मौका मिले तो हमारे हरियाणा के व्यक्ति को मिले, और विशेष तौर पर एक महिला, गरीब की बेटी, उसको हक मिले। क्या आप नहीं चाहेंगे ये बात? आप भी चाहेंगे ये, मैं दावे से कह सकता हूँ, हर हरियाणा का नागरिक चाहेगा ये बात। और अगर कांग्रेस पार्टी उसका हक छीन लेती है तो आलोचना तो होगी, फिर आलोचना से कांग्रेस को घबराना नहीं चाहिए। भी आप गलत कदम उठाओगे और आलोचना से भी घबराओगे तो फिर कैसे चलेगा? तो अभी खैर वो निष्कासित कर दिए गए, तो क्या भाजपा में स्वागत है उनका? देखिए ऐसा है कि कुलदीप बिश्नोई जी से साथ हम पहले भी अलायंस में रहे हैं जी। कुलदीप बिश्नोई जी अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहें तो स्वाभाविक है उनका स्वागत हो। अगर यही कंडीशन फिर शैलजा के साथ हो जाए तो क्या उनको भी पार्टी में बुला लेंगे? वो पार्टी में चर्चा का विषय होगा, पार्टी नेतृत्व उस पर एक बार मंथन करेगा, उसके बाद जो निर्णय होगा वो तो तभी बता सकता हूँ, अभी मैं उस बारे में बता नहीं सकता। बड़े डिप्लोमेटिक हैं भाई हमारे सर, और बड़ा खुल के साथ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अब जो ये इलेक्शन है, 19 तारीख को वोटिंग है और 22 तारीख को रिजल्ट आना है, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? कितना पूरे हरियाणा को और पेहवा को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए आपने भी, मैं ये मान के चलता हूँ कि लगभग हरियाणा में घूम के देख लिया होगा जी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक लहर पूरे हरियाणा में है, आप मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी स्वीप करेगी इन निकाय चुनाव में,
और विशेषकर जो आप पेवा की बात कर रहे हैं, पेवा में तो कोई टक्कर ही नहीं है। मतलब मैं तो कहता होता हूँ विरोधियों को कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इसी तरह की स्थिति लगभग हर निकाय चुनाव में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, भारतीय जनता पार्टी की रीति, हरियाणा की मनोहर सरकार, केंद्र में मोदी सरकार, जो 7.5 साल 8 साल में काम हुए हैं। आप देखिए, एक आम आदमी की बेसिक ज़रूरत होती है शौचालय। देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं, लगभग 75 साल, 1947 में हम आज़ाद हुए थे। लगभग 60 साल तो अकेली कांग्रेस सत्ता में रही है, चाहे किसी समर्थन से चाहे अकेले, शौचालय नहीं दे पाई थी, एक बेसिक ज़रूरत। ये ज़रूरत किसने आके पूरी की? नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने देश में चलाई, उसका नतीजा आपने कोरोना काल में देखा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना, ये बहुत बड़ा काम है। वैक्सीन के मामले में आपने देखा ही है, हालांकि हमारी वैक्सीन की बहुत आलोचना हुई है। मुझे याद है अखिलेश यादव का बयान, जिस तरह का एक बहुत छोटा बयान उन्होंने दिया, जिस तरह से राहुल गांधी ने आलोचना की थी, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने अपने बयानों के जरिए वैक्सीन ड्राइव को डिरेल करने की कोशिश की थी, आज उसका नतीजा देखिए। आज हम सब बैठे हैं बिना मास्क के बैठे हैं, क्योंकि हमें वैक्सीन लगी हुई है, हमारी वैक्सीन जो है कारगर है। लेकिन अगर आप चले जाए चाइना, अभी आपको याद है ना, चाइना में वेव आई थी, दोबारा आई थी, अभी भी आप देखते हो अमेरिकन राष्ट्रपति जो है मास्क लगा के घूमते हैं ना, देखा ना आपने, कनाडा के प्रधानमंत्री मास्क लगा के घूमते हैं। हमें जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जितने कम समय में वैक्सीन को बनाया और जितने कम समय में देश में जनता को वैक्सीन लगाई, वो एक रिमार्केबल है, पूरा विश्व प्रशंसा करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो 3 बार इस बात की प्रशंसा कर चुका है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को इतने कम समय में जो वैक्सीन लगाई है भारत ने, वो एक उपलब्धि है। इवन योगी आदित्यनाथ जी की भी अमेरिका के पार्लियामेंट में उनका नाम आया है, स्वाभाविक है। देखिए, अब अगर कोई नेता तन मन धन से जनता को समर्पित होगा, जिसके व्यक्तिगत हित गौण हो जाए, अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़ दे, जनता के हित में काम करेगा, तो स्वाभाविक ऐसे नतीजे आएंगे। और यही स्थिति पेवा में निकाय चुनाव पे मैं इसलिए आ रहा हूँ कि जो यहाँ हमारे प्रत्याशी है ना, आशीष चक्रपाणी मेरा छोटा भाई है जी। आशीष चक्रपाणी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि आपको शहर के अंदर एक आदमी उसकी आलोचना करता नहीं मिलेगा, न्यायत ईमानदार। किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करे, कोई व्यक्ति उनकी कोई आलोचना नहीं करे। देखिए, वो बहुत न्यायत ईमानदार आदमी है। पहली बार मैंने किसी के फ्लैक्स पर लिखा देखा, आदर्श, बेहद ईमानदार, सबके शुभ चिंतक, पहली बार का पूरे हरियाणा पहली बार किसी फ्लैक्स पर लिखा। और ये आप जब लोगों से जाके पूछोगे तो आपको लोगों से बात करने के बाद पता लगेगा कि ये एकदम सत्य है। पहले मैं लोगों से पूछ के फिर यहाँ पे आके फ्लैक्स पे देख लिया। नहीं, ये पार्टी ने जो यहाँ पे उम्मीदवार बनाया है, ये उम्मीदवार बेहद ईमानदार छवि वाला और जनता को समर्पित, समाज सेवी, हर आदमी के सुख दुख में काम आने वाला व्यक्ति है, इसीलिए इसकी जीत में तो कोई भी किंतु परंतु नहीं है। चलो, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो भाई, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? खुल गया भाई, मैं भी सवाल पूछ गया, और आप अपनी भी राय दे देना, कोई और सवाल हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, और फिर पूछ लेंगे आप पेवा में यहाँ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद भारत माता की जय।